बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपकी होस्ट मिंटो। आज हम बना रहे आलू वड़ियों का सालन। ये वड़ी है आधा किलो। ये आलू है, इसमें जो चीज़ें डलेगी वो प्याज, टमाटर, ज़ीरा और लहसुन और हरी मिर्च है। अब हम इसको देसी में आयल डालेंगे। ये देखा, मैंने आयल डालकर आयल को गर्म कर दिया। इसमें मैंने प्याज डाल दिया। प्याज को हम 10 मिनट तक भूनेंगे, जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए, हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट। ये मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब लहसुन हल्का सा ब्राउन हो गया, हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अब ये देखो, हमारा लहसुन हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम टमाटर डालते हैं। अच्छी तरह टमाटर को हल हम करते हैं। ये देखिए, हमारे टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम नमक मिर्च डालते हैं। नमक और मिर्च डालते हैं मसाले। एक, दो, तीन चम्मच हमने मिर्च के डाल दी। एक चम्मच मैंने हल्दी डाल दी। जैसे भी आपको अपने हिसाब से जिस तरह आपने डालना हो नमक मिर्च वो डाल सकते हैं। एक, ये दो मैंने नमक को डाल दिए। अब इसमें जाएगा हरी मिर्च और ज़ीरा, ये मैंने डाल दिया। अब हम इसे ऐसे भून लेते हैं 2-3 मिनट के लिए। फिर इसमें हम पानी शामिल करेंगे। हमने भून लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब पानी कुछ हो जाएगा और बीज छूट जाएगा, फिर हम इसमें वड़ियाँ डालेंगे। ये देखिए, हमारा ना पानी कुछ हो गया और बीज छोड़ दिया। अब इसमें हम वड़ियाँ डालेंगे। ये बढ़िया है। अब हम इसको अच्छी तरह हिलाएंगे। इसको 5 या 10 मिनट तक इसको पकाएंगे घी में, ताकि थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। और अच्छी तरह भूंगी है। ये देखिए, हमारी